चंद्रयान अंतरिक्ष यान और उसका रोवर कुछ हफ्तों से चंद्रमा पर चुप रह गया है। बड़े शोर वाला वातावरण 2 महीने का था। चंद्रमा पर एक रात 14 दिनों तक चलती है, जिसका अर्थ है कि रोवर और उसके इलेक्ट्रॉनिक्स को इसे जीवित रखने के लिए बिना किसी शक्ति के दिमाग के चौंकाने वाले ठंडे तापमान से बचने होंगे। रोवर और उसके लैंडर सबसे अधिक संभावना है मर गए हैं, लेकिन जब सूर्य फिर से उगता है तो वे जीवित होने की एक छोटी संभावना है। चंद्रयान मिशन कई मायनों में अविश्वसनीय था। जीने के लिए सिर्फ 14 दिन के साथ इसने चंद्रमा के एक क्षेत्र में प्रयोग किए जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। न केवल यह भारत की पहली सफल चंद्रमा लैंडिंग थी, बल्कि उन्होंने बेहद कम बजट के साथ भी यह किया था। मिशन की पूरी लागत सिर्फ $75 मिलियन तक पहुंच गई, जो चीन ने अपने चंद्र रोवर पर खर्च किए गए आधे से भी कम है। तो प्रैगन 1 का क्या होने वाला है? हमें यह देखना होगा कि प्राग वास्तव में कहां है। हाल के वर्षों में दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने के लिए दौड़ रही हैं। चंद्रमा के इस हिस्से में सतह के नीचे बर्फ है, जिसका उपयोग पानी और रॉकेट ईंधन के लिए किया जा सकता है। चंद्रमा पहले से ही एक शत्रुतापूर्ण जगह है, लेकिन चंद्रमा के ध्रुव और भी बदतर हैं। हमारे सौर मंडल का सबसे ठंडा तापमान चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव के पास हर्माइट क्रेटर में दर्ज किया गया था। चूंकि इस गड्ढे के कुछ हिस्सों को कभी भी सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है, इसलिए तापमान अविश्वसनीय 250 डिग्री था। हालांकि चंद्रयान सीधे दक्षिण ध्रुव पर नहीं उतरा, फिर भी इसे बहुत कम तापमान और निश्चित रूप से चंद्र रात से निपटना होगा। लेकिन रात इतनी लंबी क्यों है? चंद्रमा हर 28 दिनों में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा का पक्ष जो हम पृथ्वी से देखते हैं वह पृथ्वी पर बंद है, जिसका अर्थ है कि यह चेहरा हमेशा हमारी ओर इशारा करता है, और इसलिए 14 दिनों के लिए यह चेहरा सूर्य के लिए दिखाई देता है, लेकिन अगले 14 दिनों के लिए यह सूर्य से दूर सामना कर रहा है, और इसलिए केवल 14 दिनों के सूरज की रोशनी के साथ रोवर को व्यस्त होना पड़ा। जैसे ही यह सतह पर उतरा, रोवर को छोड़ दिया गया और यह तुरंत घुमाया ताकि इसकी सौर सरणी सूर्य का सामना कर सके। सौर सरणी केवल 50 वॉट बिजली उत्पन्न करती है, जो रोवर को 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलाती है। रोवर का डेटा सीधे पृथ्वी पर नहीं भेज सकता, इसलिए यह लैंडर को भेजता है। वहां से डेटा एक ऑर्बिटर पर और फिर पृथ्वी पर भेजा जाता है। इस वजह से रोवर को अभी भी संवाद करने के लिए 500 मीटर के भीतर रहना पड़ता है। रोवर काफी हद तक स्वायत्त है। भारतीय टीम तय करती है कि रोवर को कहां जाना है, और रोवर सुरक्षित तरीके से वहां पहुंचता है। इसमें वाहन के सामने 2 कैमरे हैं, जिनका उपयोग खतरनाक बाधाओं की तलाश के लिए किया जाता है। इस प्रणाली ने रोवर को मिशन में कुछ दिनों तक बचाया, जब यह सीधे 4 मीटर चौड़े गड्ढे की ओर जा रहा था। चंद्रयान और उसके रोवर को चंद्र रात से बचने के लिए इसे पूरे 2 सप्ताह के लिए 200 डिग्री तापमान का सामना करना पड़ता है। रोवर में 10 एम्प घंटे की छोटी बैटरी है, लेकिन यह पूरे 14 दिनों तक चलने के लिए पर्याप्त नहीं है। बिजली के बिना हीटर नहीं चल सकता, जो इलेक्ट्रॉनिक्स को चलाता है। भारत के तंग बजट के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स को चंद्र रात के अत्यधिक तापमान से बचने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, और इसलिए रोवर का जीवित रहना भाग्य पर निर्भर करता है। चीन के रोवर में एक छोटा रहुआ डिवाइस है, जो चंद्र रात के दौरान रोवर को गर्म कर सकता है। इस उपकरण में प्लूटोनियम 228 नामक रेडियोधर्मी सामग्री होती है। क्षय द्वारा उत्पन्न गर्मी पूरे रोवर में पुनर्निर्देशित की जा सकती है। समस्या यह है कि यह सामग्री बेहद महंगी है, और इसलिए भारत के रोवर के पास सिर्फ सोने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि भारत का चंद्रमा पर 14 दिन बहुत बड़ी सफलता रही। कुछ दिनों बाद रोवर ने सतह के तत्वों के लिए लेजर डिटेक्टर का उपयोग किया। लेजर सतह में फायर करके एक छोटा हिस्सा प्लाज्मा में बदल देता है। प्लाज्मा से प्राप्त प्रकाश को एक स्पेक्ट्रम में तोड़ा जाता है। यह विभिन्न तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश के स्तर को दर्शाता है। प्रत्येक तत्व विशिष्ट तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश का उत्सर्जन और अवशोषण करता है। इन रेखाओं की तुलना प्लाज्मा में पाए जाने वाली रेखाओं से की जाती है, लेकिन उन्हें क्या मिला? खैर, उन्होंने कुछ तत्व पाए, एल्यूमिनियम, सल्फर, आयरन, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। ये सभी चंद्रमा पर खनन के लिए उपयोगी चीजें हैं।
लेकिन चंद्रयानों द्वारा चंद्रमा पर 14 दिनों का सबसे प्रभावशाली प्रयोग सतह के नीचे हुआ था। चंद्रमा कैसे बनता है और सतह के नीचे उसकी संरचना का हमारा ज्ञान काफी हद तक सैद्धांतिक है। हमारा मानना है कि इसमें एक ठोस लोहे का कोर है जो मेंटल और क्रस्ट से घिरा है, लेकिन अभी भी सतह के नीचे क्या हो रहा है जानना बाकी है। चंद्रयान लैंडर ने तापमान सेंसर ड्रिल किया। वैज्ञानिकों ने सतह 20 डिग्री होने की उम्मीद की थी, लेकिन यह 60 डिग्री थी। और सतह से सिर्फ 8 सेंटीमीटर नीचे तापमान 10 डिग्री तक गिर गया, जो पृथ्वी पर 70 डिग्री अंतर है। इस गहराई पर तापमान में कुछ डिग्री तक बदलाव आएगा। चंद्रमा की वास्तविक सतह पर प्रयोग करने में सक्षम होना अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है और 21वीं सदी में केवल भारत और चीन ने ही हासिल किया है। ऑक्सीजन और सल्फर खोजने के ऊपर प्रैगियन हाइड्रोजन की तलाश में भी है एक और प्रमुख संकेत है कि सतह के नीचे बर्फ मौजूद है। लेकिन इससे पहले कि रोवर या लैंडर और कोई काम कर सके, उन्हें रात के समय की तैयारी करनी पड़ी। रोवर को जीवित रहने का सबसे अच्छा मौका देने के लिए इंजीनियरों ने गणना की कि 14 दिनों में सूर्य कहां उगेगा, और उन्होंने रोवर के सौर पैनल को उस दिशा का सामना करने के लिए स्थानांतरित किया। तब 3 सितंबर को रोवर और लैंडर दोनों को सो दिया गया। कुछ देर बाद उनकी बैटरी खत्म हो गई और पृथ्वी के साथ सभी संचार बंद हो गए। इस वीडियो के समय तक दोनों वाहन 2 सप्ताह से कठोर चंद्र रात को सहन कर रहे हैं और सूर्य अब किसी भी दिन उभरना चाहिए। सोलर पैनल बैटरी चार्ज करेंगे और रोवर लैंडर के साथ संवाद करेगा, जो स्वचालित रूप से हमारे पास सिग्नल भेजेगा। हमारे यहाँ पृथ्वी पर रिसीवर सुनते हैं और उस संकेत के आने का इंतजार करते हैं। अगर रोवर और लैंडर 14 दिनों तक बचे रहे तो यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि होगी और बहादुर रोवर चंद्रमा की खोज जारी रखेगा। अगर संकेत नहीं आया तो भी यह रोवर इतिहास में रहेगा, क्योंकि यह पहला है जिसने दक्षिण ध्रुव का रास्ता दिखाया।